जिंदगी में जुस्तजू कभी खत्म नहीं होती है, एक जुस्तजू पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इस बात की गवाही नसीम शेख की हिम्मत और हौसला देता है कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत और हौसला हो तो वो कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा सकता है। नसीम शेख कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी अपने तहसील सलोन अजला रायबरेली उत्तर प्रदेश भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। नसीम शेख ने दुनिया का सबसे छोटा पेंटिंग ब्रश बनाया है जिसकी लंबाई मात्र 3 मिलीमीटर है। नसीम शेख ने अपनी इस अद्भुत कलाकारी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मेरा नाम मोहम्मद नसीम शेख, तहसील सबौन जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। जो अपने कलाकारी में चित्रकारी में आपने देश और विदेश में आज अपने नाम की सुर्खियां बटोर रहे हैं, इसके आगे किसका सहयोग रहा है? इसमें सहयोग तो हमारे फैमिली का था, पहले तो हमारे भाइयों का, मेरे माता पिता का था, उनका आशीर्वाद था, उसके बाद हमारे रायबरेली जिले सबौन के निवासियों का था। इससे पहले आपने बंगाल के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चित्रकारी कला बनाई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हमारी कला को सम्मानित किया, अपने निवास से बुलाकर और प्रोत्साहन किया। यहाँ से इरफान सिद्दीकी के हाथों से गए थे द्वारा, उसके बाद अभी हाल में हमारे यहाँ चेयरमैन अशफाक चौधरी के साथ में गए थे, दोनों बार हमारी सहायता की उन्होंने, अच्छी खासी सहायता की। और 2016 में मार्बल हुक्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमें सम्मानित किया गया राज्यपाल के द्वारा। और इस बार 20 अक्टूबर 2023 को इंटरनेशनल एक्सीलेंस हुक्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हुआ है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर संदीप सिंह ने सर्टिफिकेट मेडल दे के मुझे सम्मानित किया है। दुनिया का सबसे छोटा 3 mm 0.30 cm का सबसे स्मॉल पेंटिंग ब्रश बनाया है जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है। 2017 में फॉरेन की कोई महिला थी, कैटरीना तिस्कोरी, जिन्होंने 0.60 cm